नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा चौथी में पाठ नंबर 10वां थप रोटी थप डाल को पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई इस पाठ में ऐसा तो क्या है कि भाई थप रोटी थप डाल, यहाँ पर देखते हैं भाई पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो मतलब ये एक नाटक है जो आप अपनी कक्षा में भी कर सकते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे, अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है, पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं कि भाई इस नाटक में ऐसा क्या है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मुन्नी यहाँ पर बोल रही है, ये सब कौन है, ये सब कैरेक्टर है। तो भाई मुन्नी सबसे पहले बोलती है, पुकार कर, मतलब जोर से बोलती पुकार कर, ओ नीना नीना सुन। नीना क्या बोलती है, पास आते हुए, क्यों क्या बात है मुन्नी, मुन्नी आपको मुझसे कोई काम है क्या। तो मुन्नी बोलती है, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा घी दाल दही साग चीनी मक्खन सब चीज़ें ले ली है, चल रोटी का खेल खेलेंगे। तो मुन्नी ने क्या बोला कि मैंने आज अम्मा से आटा घी दाल दही साग चीनी ये सारी चीज़ें आज हमने ले ली है, तो चलो आज हम रोटी का खेल खेलते। तो चलो अभी और मज़ा आने वाला है कि वो लोग क्या करने वाले हैं। नीना बोलती है, हाँ खूब मजा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला ले, ताली बजाकर, मतलब ताली बजाकर उन लोगों ने दूसरे लोगों को भी बुला दिया। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते हैं तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलते, मतलब सारे बच्चे अभी रोटी का खेल खेलने वाले हैं, अब बहुत ही मजा आने वाला है। सब क्या बोलते हैं, हाँ हाँ यह ठीक है, रोटी का ही हम लोग खेल खेलते हैं। मुन्नी क्या बोलती, अच्छा अच्छा चलो, देख चुन्नू तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना, मतलब देखो मुन्नी ने चुन्नू को क्या बोला और टिंकू को क्या बोला, आप लोग बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना पड़ेगा, मतलब सबको अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्योंकि भाई देखो कोई भी काम अगर करना है तो साथ मिलकर ही होगा, मतलब सबको अपना थोड़ा थोड़ा सा सहयोग देना पड़ेगा तभी वो काम सक्सेस मतलब सफल होगा। नीना बोलती है, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा, मतलब जो नीना होती है वो क्या बोलती है, नहीं मुन्नी इनको आप सब्जी लेने के लिए बाजार मत भेजो, इनसे तो हम लोग दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग नहीं जलेगी ना तब बहुत मजा आएगा। मतलब नीना को उन दोनों को परेशान होते हुए देखना था, मतलब वो उनका मजाक उड़ाना चाहती थी। तो यहाँ पर देखिए भाई चुन्नू क्या बोलता है, तो क्या तू समझती हम आग नहीं जला सकते। अब देखो भाई चुन्नू को गुस्सा आ जाता है, तो क्या बोलता है, क्या आपको लगता है कि हमें आग जलाना नहीं आता है, चल रहे टिंकू आज इन्हें दाल बनाकर दिखाई देंगे, क्यों, मतलब चुन्नू को एकदम गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि चल टिंकू आज तो हम इन लोगों को आग जलाकर और दाल बनाकर भी दिखाएंगे। टिंकू बोलते हैं, हाँ हाँ दोस्त देख लेंगे। मुन्नी बोलती है, तो सरला तू क्या करेगी। तो भाई सरला क्या बोलती है, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला लूंगी। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई दही डालकर इसको बिलोया जाता है फिर उसका मट्ठा बन जाता है। मुन्नी बोलती है, और तरला तू, तो तरला बोलती है मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना बोलती है, ठीक है मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी, मतलब नीना मजाक उड़ाती है और बोलती है कि भाई मैं तो बिल्ली बन जाऊंगी और जो तू कुछ बनाएगी वो मैं सारा खा जाऊंगी, बहुत ही मजा आएगा। अब यहाँ पर देखिए मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती है, फिर गगरी उतारने का और रईस से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़ कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है, मतलब ये जो सेंटेंस लिखा है कि मतलब उस नाटक में क्या हो रहा है वो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए मुन्नी क्या बोलती है, मुन्नी बोलती है, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखो ये मीठा या खट्टा, मतलब मुन्नी बोलती है वाह मट्ठा बनाने के लिए हमको बहुत बिलोना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मटका है उसके अंदर दही डालकर इस चीज से दही को बहुत चलाना पड़ता है। अब मुन्नी क्या बोलती है कि वाह खूब चलाया मट्ठा, देखो ये मीठा या खट्टा, मतलब वो कह रही कि चलो मैं अभी देखती हूँ कि भाई ये मट्ठा कैसा बना है। तो सरला बोली, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद, चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। अब देखिए भाई तो सरला क्या बोलती है, क्या देखोगे इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं यार, मतलब सरला बोलते हैं कि भाई मेरा जो मट्ठा है वो बहुत ही स्वादिष्ट बना है और उसको खाकर सब लोग याद करते हैं। भाई इतनी देर में चुन्नू और टिंकू है वो अपने कंधे पर कुछ बोझ रखकर
आ रहे होते हैं। तरला बोलती है, ये लो चुन्नू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए। अबे चुन्नू क्या बोलता है, बोझ उतारते हुए, ओहो पीठ रही है दुख। मतलब चुन्नू क्या बोलता है, मतलब सामान उतारने के बाद वो बोलता है कि भाई मेरी तो पीठ दुख रही है। टिंकू बोलता है, मुझको लगी करारी भूख। मतलब टिंकू क्या बोलता है, भाई मुझको भी करारी भूख लगी है। मुन्नी बोलती है मुंह मटकाते हुए, बच्चों जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग चलाओ और हांडी में दाल पकाओ। मतलब मुन्नी ने बोल दिया, भाई बच्चों जी भूख लगने से क्या होगा, तुमने तो बोला था कि भाई तुम लोग आग जलाओगे, पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ, तब जाकर आपको खाना मिलेगा। अब देखते हैं बेचारे उन दोनों को क्या हाल होता है। चुन्नू करे, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाए, बड़ियों का भी स्वाद चखाए। मतलब चुन्नू क्या बोलता है, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाए, बड़ियों का भी स्वाद चखाए। तो बच्चों अपने बड़िया तो खाई होगी, जिसकी सब्जी बनती है। अब यहाँ पर देखते भाई क्या होता है, भाई दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पहुँचने का अभिनय करते हैं। मतलब झूठ मूठ की वो आग लगा रहे, फिर दाल और बड़ी पकाते हैं, कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। मतलब ये जो बच्चे अभिनय कर रहे हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया कि भाई वो किस तरह का अभिनय कर रहे हैं। मुन्नी बोलती है, टिंकू ने पकाई बड़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बड़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। देखो यहाँ पर मुन्नी ने एक छोटी सी कविता बनाई है। देखो भाई क्या बनाई है, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। मतलब इस तरह के गाकर वो दोनों का मजाक उड़ा रही है। अब देखिए भाई, तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती है, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में दलिया हो, आकर बैठ जाती है, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती है। फिर मतलब इसके बाद सब लड़कियां, मतलब जो तरला है उसकी सहेलिया के साथ आते हैं और वो रोटी पकाने का अभिनय करते हैं। लड़कियां गाती है, थप्प रोटी थप्प दाल, खाने वाले हो तैयार। लड़कियां क्या गाती है, थप्प रोटी थप्प दाल, खाने वाले हो तैयार। यहाँ पर टिंकू और चुन्नू को आप लोग देख सकते हैं कि जिनकी बढ़िया जल गई है और चुन्नू का तो बेचारे का हाल बुरा हो चुका है। ये पंक्तियां दो बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं, फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर दो बार कहते हैं। अब देखो भाई क्या बोलता है चुन्नू, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मतलब चुन्नू क्या बोलता है, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मतलब मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की दलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में दो बार गाकर कहती है। क्या गाती है, चलो देखते हैं अभी। मुन्नी आदि, तो भाई ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। तो मतलब मुन्नी क्या बोलती है, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। अब चुन्नू और आदि क्या लोग बोलते हैं, चिढ़ा कर खट्टा, क्या बोलते हैं खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। मतलब क्या बोलती है, मतलब जो चुन्नू क्या उसको चिढ़ाने के लिए क्या बोलता है, भाई खट्टा है। लेकिन जैसे मुन्नी का गुस्सा उसने देख लिया तो क्या बोलता है, नहीं 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 मीठा, खट्टा नहीं मीठा। अब खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा, मतलब कुछ रुक रुक कर ऐसा बोले जा रहे। अब देखिए, सब बच्चे आधी खाए आधी रखे, अब सो जाए उठकर चखे। सब बच्चे क्या बोल रहे हैं, आधी खाए आधी रखे, अब सो जाए उठकर चखे। मतलब इस तरह से बोलकर वो लोग गाना गा रहे हैं। सब बच्चे सो जाते हैं, अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है, बिल्ली का प्रवेश। वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है। अब बिल्ली क्या बोलती है, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करो किनारा। मतलब बिल्ली क्या बोलती है, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करो किनारा। मतलब पूरा साफ कर दूंगी तुम्हें, सारा का सारा मक्खन जीभ से चाटकर उसको खा जाऊंगी। बिल्ली अभी क्या करती है, अभी आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छींके पर से कुछ चीजें लेने का अभिनय करती है। देखिए यहाँ पर है, छींके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, भाई रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। मतलब खाकर वो बिल्ली बोल रही, मतलब क्योंकि भाई बिल्ली को तो आज खाने का मौका मिल चुका है, तो उसने गरम गरम घी से चुपड़ी हुई रोटी को वो खाकर बोलती है बहुत ही गरम गरम है, ठीक है। और वो छींके के ऊपर जो सामान रखा है उसमें हाथ डाल डालकर उसको ले रही है। मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल, और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाओ,
आलसियों को सबक सिखाओ। म्याओ 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 म्याओ। तो बिल्ली क्या बोलती है, मक्खन रोटी चावल दाल जी भर खाया कितना माल। मतलब बिल्ली बोलती है आज तो मैंने कितना पेट भर कर खाया, बहुत सारा माल खाया है। और यहाँ पर देखिए मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे कितने आलसी है, वो खर्राटे भर रहे और सो रहे। अब चुपके से मैं यहाँ से सरपट मतलब यहाँ से भाग जाती हूँ, आलसियों को आज तो मैं सबक सिखाऊंगी। और अंत में म्याओ म्याओ करते हुए वो वहाँ से भाग जाती है। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, यहाँ पर देखिए बिल्ली ने अपना काम पूरा कर लिया। और पूरा काम कर वो वहाँ से भाग जाती है, वो तो बहुत सारा माल खाकर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद अंगड़ाई लेकर सरला उठ जाती है और बोलती है, अरे भाई मक्खन का बर्तन तो खाली हुआ है। तो वो देखती है कि भाई मक्खन का जो बर्तन है वो तो खाली देखकर उसको आश्चर्य से वो एकदम चिल्लाती है। सरला बोलती है, ओरे चुन्नू टिंकू भाई कहाँ है मक्खन और मलाई। मतलब सरला चुन्नू और टिंकू को बोलती है, अरे भाई कहाँ है मक्खन और मलाई, मुझे ढूंढ के दो। मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा बोलता है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। मतलब मुन्नी ने कहा, हाय रे ये क्या हो गया, ना बचा रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली सब कुछ खा गई। तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा आकर क्या बोलता है, बिल्ली आई आधी रात, बिल्ली आधी रात को आई थी और खा गई रोटी और खा गई भात। मतलब रोटी और भात खा जाती है। दूसरा बच्चा बोलता है, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू बोलता है, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाए फिर चोरी का मजा चखाए। सब बच्चे ठीक ठीक, मतलब सारे बच्चे बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्ली को पकड़ेंगे और उसको मजा चखाएंगे, हमारा सारा खाना वो खा गई, हमारी सारी मेहनत पानी में गई। अब सारे बच्चे बिल्ली को ढूंढने लगते हैं। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं, कुछ बच्चे अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठ कर नीचे झुक कर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते हैं। तभी तरला सरला चिक्कर कहती है, तरला सरला बोलती है, यह लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है, सब उसे पकड़ते हैं। मतलब तरला और सरला ने बिल्ली को देख लिया और बोला कि देखो भाई ये लो मिल गई बिल्ली और मिल गया चोर। तो मतलब बिल्ली अब घबराई हुई रंगमंच पर आ जाती है और सब उसको पकड़ लेते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सब क्या बोलते हैं, करो पिटाई इसकी जोर, मतलब इसको जोर जोर से पीटो। मतलब देखो यहाँ पर हंस कर मारने का अभिनय करते हुए, मतलब बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली बोलती है, हाँ खाओगे सौ सौ बार, जो सोओगे टांग पसार, अगर आप टांग पसार कर सो जाओगे तो मैं आपका सारा खाना खा जाऊंगी। और बिल्ली बेचारी मार भी खा रही है और कहेंगी, हाँ मैं तो खाना खाऊंगी, अगर आप सो जाओगे टांग पसार कर तो मैं आपका सारा खाना खा जाऊंगी। वो देखो यहाँ पर मार भी खा रही है और बोले कि भाई मैं तो खाना खाऊंगी। सब लोग उस बिल्ली की पिटाई कर रहे हैं लेकिन बिल्ली फिर भी कहती है, भाई मैं तो खाना खाऊंगी अगर आप टांग पसार कर सो जाओगे। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। तीन चार बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। यहाँ पर देखो एक लड़की बिल्ली बनी, अब यहाँ पर पर्दा गिर जाता है, मतलब नाटक पूरा हो जाता है। मतलब सारे बच्चे इस बिल्ली को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, मतलब बिल्ली बोलती है कि मैं सारा खाना खा जाऊंगी, अगर आप लोग सो जाओगे तो मैं आपका सारा खाना खा जाऊंगी। और फिर वो वहाँ से भाग निकलती और सारे बच्चे बोलते हैं पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ही इस पार्ट में मजा आया होगा। तो बच्चों आप चाहो तो इस पार्ट को आपके कक्षा में इस ड्रामे को परफॉर्म कर सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के और भी एडुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।